अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक भाई ने सवाल भेजा है कि कुव्वते हाफिज़ा तेज़ करने का, यानी कि चीज़ें भूल जाती हों या इतनी अच्छी तरीके से याद ना रहती हों, तो इसे तेज़ करने के लिए क्या कोई ऐसा वजीफ़ा है जिसे हम पढ़ सकते हैं? तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला के नाम में, अलकवी मेरे रब का नाम है, उसका इस्म है, उसमें एक बड़ी ताकत है। ऐसा का एक ये करें, एक तो आप नमाज़ों की पाबंदी करें। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, जो भी वजीफ़ा पूछने आता है, मैं कहता पहले ये बताओ कि नमाज़ों की पाबंदी करते हो कि नहीं, नहीं करते तो किया करो। पहले नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ों को अदा करो, और उसके बाद क्या करो कि जब फ़र्ज़ नमाज से फारिग होते हो ना, तो उसके बाद क्या किया करो कि अपने सर पर अपना राइट हैंड होता है ना, दाहना हाथ जो होता है, सीधा हाथ, वो ऐसे रखो अपनी पेशानी पर, ठीक है, और 11 मरतबा या कवीयू पढ़ो, या कवी। इसी तरह एक और आपको वजीफ़ा बताता हूँ याददाश्त में बेहतरी के लिए, 41 दिन तक रोज़ाना 21 मरतबा या अलीमु पढ़ो। ये भी मेरे रब का नाम है, अल अलीम, राइट, या अलीमु पढ़ो, और ये पानी पर पढ़कर इसको निहार मुँह, यानी कि नाश्ता करने से पहले, बग़ैर कुछ खाने पीने से पहले, इसे आपने 41 डेज तक करना है। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला हाफ़ज़ा रोशन हो जाएगा। ये या अलीमों की बरकत है। और अगेन, नमाज की पाबंदी करनी है मेरा भाई। ये हमारे यहाँ ये एक बड़ा अजीब सा कल्चर है कि जब मुसीबत पड़ती है तो नमाज़ें पढ़नी शुरू कर देते हैं, और जब मुसीबत ख़त्म हो जाती है तो नमाज़ें भी छोड़ देते हैं। ये कल्चर नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। आपके रब की इबादत जो आपने करनी है, फ़र्ज़ है, नमाज़ों की पहले पाबंदी करो, साथ साथ ये करो, फिर देखो कि इस नमाज़ों की पाबंदी की बरकत से फिर ये मामलात भी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला ठीक होते चले जाएंगे। तो दो चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, ठीक हो गई बात, इस पर आपने काम करना है। अच्छा, इसी तरह जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर आपने कसरत से दुरूद पढ़ना है, इसके नतीजे में सवाब के साथ आपकी याददाश्त जो है ना, वो भी आपको बेहतर हो जाएगी। ये भी आपको एक तोहफ़ा मिलेगा, आपकी नियत में शामिल होगा कि बारी ताला मैं तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम पेश करता हूँ, तो तू मुझ पर रहम फरमा कि ये तेरा हुक्म भी है कुरान में कि मेरे नबी पर दुरूद व सलाम भेजो, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तू मेरा काम कर दे मेरे रब। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नमाज़ों की पाबंदी भी करेंगे और ये इन वज़ाइफ़ का अहतमाम भी करेंगे, इससे इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर बिज़रूर इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।